नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ हाउस में शनि की पोजीशन के बारे में। नाइन्थ हाउस जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आती है और साथ ही हमारी किस्मत का घर है। किस्मत का घर यानी कि कुंडली का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाउस। अब इस घर की मजबूती स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये घर कमजोर हालत में होगा तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और जो चीजें वो प्राप्त करना चाहता है उनकी प्राप्ति या तो होगी नहीं या बहुत देरी से होगी। ऐसे में किस्मत घर में शनिदेव किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे आज उसकी बात करेंगे और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव के बारे में आपको बताया था कि शनिदेव 10वें और 11वें घर इसके स्वामी हैं। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि 10वां 11वां घर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, 10वें घर में 10 नंबर की राशि और 11वें घर में 11 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि मकर और 11 की कुंभ, ये दो राशियां इन हाउस में आती है। 10वां घर क्या है, हमारे कैरियर का, काम धंधा, नौकरी जो भी आप करते हैं, और 11वां घर है हमारी आमदनी का। नाइन्थ हाउस हमारी किस्मत का, तो किस्मत अगर अच्छी होगी तो काम धंधे कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलेगी, और अगर नाइन्थ हाउस खराब होगा तो ऐसे में बहुत मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर नाइन्थ हाउस में शनिदेव जो है बृहस्पति के घर में बैठे हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति देव। यहाँ पर नाइन्थ हाउस में जैसे कि आपको लगन भाव, क्योंकि जब हमने शनि का टॉपिक स्टार्ट किया था लगन भाव के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताए थे, इनसे आप एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं शनिदेव कुंडली में किस पोजिशन में है, और साथ ही शनिदेव के कारक चीजें किन चीजों के वो कारक है, क्योंकि जब वो शुभ हालात में होंगे तो जिन चीजों के कारक है उन पे शुभ प्रभाव देंगे, और जब अशुभ हालात में होंगे तो जिन चीजों के कारक है उन पे अशुभ प्रभाव देंगे। अब नाइन्थ हाउस बताया था कि 2, 5, 9, 12 बृहस्पति के घरों में शनिदेव अमूमन अच्छा फल ही देते हैं, पर एक रूल और चीज है याद रखने की, क्या कि कोई प्लैनेट कुंडली के जब किसी भी हाउस में बैठेगा तो वहां पर उस हाउस के मालिक और कारक दोनों की पोजीशन पे उसका फल डिपेंड करेगा। अब नाइन्थ हाउस के मालिक और कारक कौन है, दोनों बृहस्पति, मालिक भी बृहस्पति और कारक भी बृहस्पति। और वैसे भी जब हमने बृहस्पति देव का टॉपिक कराया था तो वहां पे बताया था कि कुंडली में जैसी बृहस्पति देव की पोजीशन होगी वैसे ही फल शनि का देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति घर बैठ के तो विशेष तौर पर वो नियम अप्लाई होगा। अब यहाँ पर नाइन्थ हाउस में शनि के फल को देखने के लिए सबसे पहले आपको कुंडली में बृहस्पति को चेक करना होगा। तो आपने नाइन्थ हाउस में शनि है तो पहले बृहस्पति को चेक करना कि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में किस हाउस में है, कुंडली के 12 ही घरों में जिस भी घर में बैठे हो, क्योंकि आपके पास जो कुंडली होगी वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस होगी, तो उसमें राशियां जो है सब अलग अलग लिखी होंगी। किसी के लगन के अंदर मेष राशि होगी और किसी के आपका वृषभ, मिथुन, कन्या कुछ भी हो सकती है, 1 से 12 नंबर से लेकर कोई भी राशि यहाँ पर हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आगे राशियां मूव करती होंगी। तो आपने फिलहाल उस चीज को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ प्लैनेट की पोजिशन चेक करनी है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव 12 ही घरों में किस घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी भी घर में वो शुभ हालात में भी हो सकते हैं और अशुभ हालात में भी। उसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में बैठे हो उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर आप प्रॉपर वे में चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी कुंडली बृहस्पति देव किस पोजिशन में है, क्योंकि बृहस्पति देव का कुंडली में शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। बृहस्पति देव हमारे सेकेंड हाउस धन भाव के कारक हैं, संतान के कारक हैं, इनकम के कारक हैं और साथ ही किस्मत के, कुंडली के 4 इंपॉर्टेंट हाउस स्पेशली धनभाव और आय भाव, यानी कि दोनों जो धन के डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, बृहस्पति देव के पास है। तो बृहस्पति देव को ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है। तो वहां पे जाके बृहस्पति देव अगर अशुभ हालात में है तो प्रिकॉशन रेमेडी जो बताई गई है उनसे आपने ठीक करना है। अब जब आप वहां बृहस्पति देव की रेमेडी ठीक कर लेंगे तो यहाँ पर जो नाइन्थ हाउस में शनिदेव है इनका फल अपने आप ही शुभ होना शुरू हो जाएगा, अगर अशुभ हालात में होंगे तब भी। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं शुभ और अशुभ हालात और कैसे उन्हें ठीक रखा जाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शुभ हालात की, फिर अशुभ हालात और क्या प्रिकॉशन या रेमेडी बताई गई है उसके बारे में। तो नेक हालात में क्या लिखा गया है, मर्दों में मकानों के लिए कलम विधाता बहुत उत्तम,
शनि की मियाद पर यह दुनिया से कूच के आखिरी वक्त तक कम से कम 3 मकान रिहायश कायम होंगे, या 3 मकान कायम हो जाने उसके आखिरी वक्त की निशानी होगी। यहाँ पर शनि अगर शुभ हालात में है, यानी कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छी पोजिशन में है, साथ ही जो आपको नियम बताए थे कि आप अगर शनि देव से केतु पहले घरों में, यानी कि शनि देव अगर 9th हाउस में है, इससे पहले के जो घर है वहां पे केतु है, बाद में राहु है 10, 11, 12 में, ऐसे में शनिदेव शुभ हालात में आ जाएंगे। साथ ही कुंडली के अंदर शुक्र की पोजिशन भी चेक करनी होती है, क्योंकि शुक्र अगर कुंडली में अच्छा है तब भी शनिदेव का फल ठीक होता है, तो वो सारे नियम जो है अप्लाई करने पड़ते हैं, उससे जाके पता लगता है कि एग्जैक्टली कोई प्लैनेट कितना शुभ है कितना खराब है। मान लिया 4 रूल अप्लाई हो रहे हैं शुभ वाले, 1 हो रहे हैं अशुभ वाले, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये प्लैनेट हमारा 70% ठीक है। और अगर 4 के 4 अच्छी कंडीशन वाले अप्लाई हो रहे हैं तो 100% रिजल्ट देने के लिए स्वतंत्र है, तो यानी कि जो रिजल्ट बताया जा रहा है वो 100% प्राप्त होगा। जैसे कि 7वें घर में बताया था कि अमीरों का अमीर होगा, अब अमीरों का अमीर होगा वो किस कंडीशन बताया था, शुभ हालात में। अब शुभ हालात कितनी है, जो रूल बताए हैं सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, शनि शुभ कंडीशन में है, शुक्र अच्छा है, केतु अच्छा है, केतु पहले घरों में है, ऐसी कंडीशन में जब शनि अपना 100% रिजल्ट देने में सक्षम है, तब ऐसे में वो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर करोड़पति अरबपति होगा। पर 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है शुभ वाली और 2 हो रही है खराब वाली, ऐसे में 50% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ डिपेंड करता है कोई प्लैनेट कितना शुभ है और कितना अशुभ है। अब यहां पर मर्दों मकानों के लिए कलम विधाता, क्योंकि शनि क्या है, मकान का कारक, अगर शुभ हालात में होगा तो मकान जो है उसके 1 से ज्यादा बनेंगे। अब यहां पर एक बात कही गई है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर शनि शुभ हालात में है तो 3 मकान का योग बनता है, 3 मकान निश्चित तौर बनेंगे। कब बनेंगे, शनि की मियाद आने तक। मियाद क्या है, 36 से 39 साल की उम्र तक उसके 3 मकान के योग अवश्य बनेंगे, या उसके ये कह सकते हैं आप कि पूरी जब उसका जाने का समय हो गया, यानी कि मृत्यु के समय तक 3 मकान बन जाएंगे, या कहा गया कि जब 3 मकान बन जाएंगे तो आप समझ जाइए कि उसका अंतिम समय भी आ गया है। तो 3 मकान बनना अंतिम समय की निशानी बताई गई है। 6 साल तो जरूरी बल्कि सारी उम्र उत्तम फल देगा, बशर्ते इंसान परोपकारी होवे। 6 साल जो शनि की मियाद है 36 से 41 साल, यानी कि आप कोई भी प्लैनेट कुंडली में अच्छा होता है खराब होता है उसका फल तो सारी उम्र मिलता है, पर विशेष तौर पर उस फल की प्राप्ति अशुभ है या शुभ है वो किस वक्त होती है, जब प्लैनेट की अपनी एक एज बताई गई है, वो एज 36 साल चक्र के ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें बताई गई है कब प्लैनेट की एज बताई गई है। तो यहाँ पर 36 से 41 साल की जो एज है वो शनि कहलाती है, उसमें विशेष तौर पर शनि अगर शुभ हालात में है तो बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराएगा, बल्कि सारी उम्र फल देगा, बशर्ते इंसान परोपकारी होवे। इंसान परोपकारी में यानी कि बृहस्पति कुंडली में अच्छी कंडीशन का हो, जब बृहस्पति कुंडली में अच्छी कंडीशन होगा तो निश्चित तौर पर वैसा व्यक्ति धर्म को मानने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, क्योंकि बृहस्पति क्या है, एक साधु स्वभाव गुरु, तो यहाँ पर गुरु को ठीक रखना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को नेक दिल इंसान जितना रहेगा, धर्म की पालना करेगा, उतना ज्यादा यहाँ बैठे शनिदेव शुभ फल देने वाले हैं। घर में जन्म समय से गड़ा हुआ पत्थर मुबारक फल की निशानी होगी, ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय अगर घर में किसी तरह का कोई पत्थर गड़ा हुआ है तो वो शुभ शनि की निशानी बताई गई है। मंदे शनिचर के समय बृहस्पति का उपाय मुबारक होगा, शनि उत्तम के समय शुक्र का फल भी उत्तम ही होगा, अगर 2 में ही हो तो शनि 9 गुना नेक फल देगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको जब शुक्र का टॉपिक कराया था तो एक बात बताई थी कि कुंडली के अंदर शुक्र की कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको शनि को चेक करना है कुंडली में। अब सारे दूसरे से रिलेटेड है, बृहस्पति अगर कुंडली बहुत अच्छा है तो शनि अच्छा, शनि अच्छा है तो शुक्र अच्छा, शुक्र अच्छा है तो आपका आगे और प्लैनेट राहु केतु इनके इंपैक्ट आपको ठीक देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर उत्तम शनि, अगर शनि को आप शुभ कर लेंगे, शुभ है तो बहुत अच्छी बात है जो कंडीशन में बताएंगे, और अगर अशुभ है तब बृहस्पति के रेमेडी द्वारा या जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई जाएगी उनके द्वारा शुभ कर लेंगे। तो शुक्र, शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी हमारी गृहस्थी, हमारा लाइफ पार्टनर। अगर शुक्र खराब होगा तो गृहस्थी खराब, लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यू, आपसी संबंधों में टकराव,
और ऐशो आराम में कमी ये देखने को मिलेगी। तो शनि को ठीक रखना कुंडली में इसलिए अत्यंत आवश्यक है। तो शुक्र के फल भी उत्तम ही होंगे अगर नंबर दो में ही हो। अब यहाँ पर शुक्र कुंडली के अंदर कहीं भी हो, अगर शनि को आपने ठीक रख लिया नाइन्थ हाउस में, तब ऐसे में शुक्र कुंडली में कहीं भी हो, 12 घरों में कहीं भी हो, कैसी कंडीशन बैठा हो, शुक्र का फल आपको ठीक ही प्राप्त होगा। और अगर गलती से शुक्र नंबर दो में हो, जो शुक्र का अपना घर है, तो यहाँ पर शुक्र अपने घर में आके और ज्यादा शुभ फल देंगे, तब ऐसे में शनि का फल भी 9 गुना उत्तम कहा गया है। यानी कि हर हिसाब से काम धंधा इनकम मकान हर चीज का एक लंबा सुख प्राप्त होगा। बुध 6 या शुक्र 7, अब शनि 9 के समय बुध 6 घर में या शुक्र 7 के समय में, बुध और शुक्र क्या है, शनि के मित्र। जब मित्र ग्रह की मंडली सारे के सारे अच्छी कंडीशन में होंगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 6 घर में बुध आपके उच्च हो जाते हैं और 7 घर में शुक्र जो है अपने घर में आके बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। तब ऐसे में क्या कहा है, तीनों का फल उम्दा, यानी कि बुध शुक्र शनि तीनों का फल उम्दा, रफा ए आम के कामों से फायदा होगा। रफा ए आम का मीन्स है लोक कल्याण। वही बात कि बृहस्पति के अकॉर्डिंग काम करने से बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। औरत अमीर खानदान से होगी, तो ऐसे में व्यक्ति की जो पत्नी है वो निश्चित तौर पर किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती होगी। सूरज चंद्र मंगल नंबर 3, अब तीसरा घर, देखिए थर्ड हाउस के अंदर अगर शनि के दुश्मन ग्रह सूर्य चंद्र मंगल में से कोई भी बैठा हो, तब तीसरे घर से आपको बताया था कि दृष्टि कहां जाती है, 11th हाउस और 9th हाउस। लाल किताब का दृष्टि का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। जो लोग रेड बुक की दृष्टि के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, उसके लिए दृष्टि पे अलग से वीडियो बना रखी है, वहां जाके सभी ग्रहों की दृष्टियां समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि तीसरे घर से दो जगह दृष्टि जाती है, एक तो 11th हाउस पे, दूसरा 9th हाउस पे। अब यहाँ पर 9th हाउस पे जब इनके शत्रु ग्रह की दृष्टि जाएगी, वैसे तो शत्रु ग्रह की जो दृष्टि जाती है तो उससे ग्रह का फल खराब होता है, मगर यहाँ पर शनि जो है अब बृहस्पति के गुण लिए हुए हैं, बृहस्पति गुरुदेव की शरण में है। यहाँ पर क्योंकि सूर्य मंगल चंद्र क्या है, शनि के शत्रु पर बृहस्पति के मित्र, और बृहस्पति तो सारे ही जो प्लैनेट है उनके गुरु बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर तीसरे घर में इनके शत्रु ग्रह है तब भी उनकी दृष्टि से शनि का फल खराब नहीं होगा, तो कोई मंदा असर न देंगे। लेकिन घर के आखिर में, यहाँ पर घर के आखिर में अंधेरी कोठरी अगर आपके है और नहीं है तो कायम करना, बहुत शुभ फल देगा। और अगर पहले से बनी हुई है तो उसमें किसी प्रकार की रोशनी नहीं करनी, रोशनी कैसे, सूर्य से आती हुई, और उस कोठरी में अंधेरा ही रखना है तो शनि का फल शुभ रहेगा। और अगर आप उसमें रोशनी कर लेते हैं तो रोशनी जिस दिन आपने कर ली, किसी भी तरह से उसमें रोशनदान लगवा के किसी और प्रकार से, या उसमें 24 घंटे लाइट जली रखने से, ऐसे में क्या होगा कि शनि जो है आपका जिस दिन से उस अंधेरी कोठरी में रोशनी कर लेंगे, 3 साल के अंदर अंदर सब कुछ बर्बाद कर देगा, काम धंधा चौपट और इनकम खत्म। चंद्र 4, चंद्रमा अगर 4th हाउस में है तब माँ बाप की तरफ से उम्दा किस्मत भला होगा, औरत अमीर खानदान से होगी और खुश किस्मत होगी। यहाँ पर चंद्रमा अगर 4th हाउस में है तो 4th हाउस में चंद्रमा जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल और शुभ कहे गए हैं, क्योंकि चंद्रमा जब 4th हाउस में होते हैं तो चंद्रमा क्या है, खुशी के कारक। चंद्रमा ये क्या है, सुखों का भाव। तो सुख भाव के अंदर सुख भाव का कारक और मालिक जब आके बैठ जाएगा, सुख भाव बहुत ज्यादा मजबूत पोजिशन में आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा धैर्यवान और बहुत सूझबूझ से काम करने वाला, खुश मिजाज, माता का सुख लंबे अरसा, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन चंद्रमा की 4th हाउस में। अब चंद्रमा अगर 4th हाउस में होंगे तो शुभ चंद्रमा की दृष्टि कहाँ जाएगी, 10th हाउस में। तो एक शुभ चंद्रमा की दृष्टि 10th हाउस में जाएगी तो काम धंधे में बरकत और बहुत अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। तो शनि का फल 9th हाउस में अच्छा और चंद्रमा 4th हाउस में अच्छा, तब माँ बाप की तरफ से उम्दा किस्मत भला होगा। माँ बाप क्या है, हमारे बृहस्पति बुजुर्ग की तरफ से उम्दा किस्मत, यानी किस्मत वाले होंगे और भला होगा, यानी कि ऐसा इंसान एक भले नेचर का होगा। औरत अमीर खानदान से होगी और खुश किस्मत होगी, यानी किस्मत वाली होगी। सूरज 5, अब सूर्य 5 के समय
सूर्य पांच के समय देखिए आप कि पांचवें घर से दृष्टि कहां जाती है, नाइन्थ हाउस पे। ये इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि पांचवें घर में जब सूर्य बैठे होंगे, सूर्य कट्टर शत्रु है शनि के। अब अपने घर में सूर्य बहुत ज्यादा पावरफुल पोजिशन में आ जाते हैं पांचवें घर में, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पांच नंबर की राशि आती है सिंह राशि, यहाँ सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ जाते हैं। अब यहां से शक्तिशाली ये पावरफुल सूर्य की दृष्टि कहां जाएगी, नाइन्थ हाउस से बैठे शनि पर। पर यहां पर अब सूर्य किसी तरह का अशुभ प्रभाव नहीं देगा। यहां पर एक रूल बताया था कि कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हों या युति से दृष्टि से किसी प्रकार से सूर्य शनि का अगर मिलन होता है तो ऐसे में कुंडली में शुक्र का फल खराब होता है। बेशक शुक्र किसी भी राशि का हो, किसी भी हाउस में हो, कैसी कंडीशन क्यों ना बैठा हो, आप चेक करना ऐसे व्यक्ति का लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ऐशो आराम की और आपका पार्टनर के साथ मतभेद यानी गृहस्थी सुखों में कमी देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। पर यहाँ पर सूर्य जब पांचवें घर में होंगे और शनि आपका क्योंकि बृहस्पति की शरण में है तो यहाँ पर सूर्य शनि का टकराव नहीं होगा, तो शुक्र का फल भी अच्छा होगा और इनका टकराव नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दूसरों से हमदर्दी, अब सूर्य शनि का झगड़ा नहीं होगा। बृहस्पति 12, अब बृहस्पति 12वें घर में होंगे तब क्या होगा, तो 12वें घर में बृहस्पति को बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है। तो नाइन्थ हाउस का जो मालिक है जब वो 12वें घर में जाके शुभ कंडीशन में आ जाएगा तो नेचुरली नाइन्थ हाउस में बैठा प्लैनेट भी शुभ फल ही देगा। तब ऐसे में क्या कहा कि धन दौलत माया ज्यादा मगर माया का गुलाम न होगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत तो बहुत प्रचुर मात्रा में होगी, पर फिर भी ऐसा व्यक्ति धन दौलत के पीछे पैसे के पीछे भागता नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कई लोगों के नेचर होता है कि पैसा कमा लिया उसके बाद भी कंजूस टाइप के होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति पैसे के पीछे भागता नहीं होगा, धर्म के कामों में पैसा खर्च करने में हमेशा आगे मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। तो ये थी आपका शुभ हालात, अब बात करते हैं अशुभ हालात की और कैसे उन्हें ठीक रखना है। मंदे हालत में अब किसी निर्धन को रात को अपने यहाँ आराम न करने देगा, कहीं वह उसका सामान न उठा के ले जाए। जब शनि यहाँ पर खराब हालात में होगा ऐसा व्यक्ति एक शक्की मिजाज का होगा, उसके दिमाग में एक फितूर सा रहेगा कि कोई व्यक्ति उसको कोई नुकसान किसी तरह का ना पहुंचा दे। बच्चे के माता के गर्भ में होने के वक्त बनाया या खरीदा या मकान बाप को शनि की मियाद पर जिंदा न छोड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिसके नाइन्थ हाउस में शनि है और मंदी हालत में होगा या किसी भी हालात में हो, पर यहाँ पर जब बच्चा पेट में हो ऐसे में किसी तरह का मकान खरीदना या बनाना यहाँ पर अशुभ फल देगा। उसका इम्पैक्ट कब आएगा, शनि की मियाद, शनि की मियाद कौन सी बताई थी, 36 से 41 साल। इस बीच में पिता पर किसी न किसी तरह का बैड इफेक्ट देखने को निश्चित तौर मिलेगा, हेल्थ इश्यू इत्यादि आएंगे या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। राय दरबार में आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल से तरक्की करेगा, यानी कि जीवन में संघर्ष के बाद सफलता की प्राप्ति होगी। छत पर चौखट लकड़ी मंदे शनि की निशानी होगी। यहाँ पर जो अपने घर में चौखटे होती है लकड़ी की, ये छत पर रखना या पुरानी लकड़ी या किसी भी तरह का आपने लकड़ी का मशीनरी इत्यादि का या पुराना जंगला का सामान कुछ भी आड़ कबाड़ घर पर रखते हैं तो ये मंदे शनि की निशानी बताई गई है। केतु 5, अब केतु अगर पांचवें घर में होगा तब औलाद पर बुरा असर न होगा। मंगल 4, मंगल फोर्थ हाउस में, अब मंगल फोर्थ हाउस में जब होगा तब देखिए फोर्थ हाउस में मंगल सबसे ज्यादा खराब माना गया है, तो फोर्थ हाउस में और एक एट्थ हाउस में, इसके ऊपर हमने काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है। मंगल बद, मंगल फोर्थ हाउस, मंगल फोर्थ हाउस के समय आपको बताया था कि चार प्लैनेट के फल खराब हो जाते हैं, बुध शुक्र केतु और चंद्रमा, साथ ही राहु नीच का, क्योंकि मंगल जब फोर्थ हाउस में होता है जनरली अशुभ फल ही देता है, चंद्रमा के फल को जला देता है कि मंगल आग है, बेशक चंद्रमा का मित्र है पर फोर्थ हाउस में सुख भाव में यहाँ पर आग जो है पानी को सुखा देती है और चंद्रमा क्या है, पानी, तो सुखों में कमी कर देगी, खुशी के अंदर कमी कर देगी। यहाँ पर मंगल अगर फोर्थ हाउस में है तब क्या कहा है, शनि अब खाना 9 को जलाएगा, तो यहाँ पर खाना नंबर 9
जिसके अंदर किस्मत का घर यहाँ शनिदेव बैठे हैं, अब बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देंगे। जब अशुभ फल देंगे तो जहां बैठे हैं किस्मत के घर में, तो किस्मत खराब, मंदी किस्मत, बृहस्पति खराब, धन की कमी, बृहस्पति धन के कारक, किस्मत खराब तो जीवन में संघर्ष, और शनि जब खुद खराब हो जाएंगे तो दसवा और ग्यारह घर खराब, तो मंदी किस्मत, कैरियर खराब, काम धंधा चौपट, इनकम खत्म, धन की कमी, तंगी के हालात, ये सब देखने को मिलेंगे। घर नंबर दो खाली, अगर दो खाली है तब ऐसा शख्स अमीर तो होगा मगर दुष्ट, जो दूसरों के कफन को बेचकर भी धन कमा लेगा। जब घर नंबर दो सेकेंड हाउस अगर खाली है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के पास पैसा तो होगा पर उसका पैसा जो है वो गलत तरीकों से कमाया हुआ होगा। उसके पैसे से किसी न किसी प्रकार की, एक कहा गया है कि मुर्दों जैसी वो आती होगी, यानी कि उसका पैसा जो है वो फल देने वाला नहीं होगा, यानी कि शुभ कार्य नहीं होगा, अशुभ फल देने वाला होगा। वो पैसा जो है काफी गलत तरीकों से कमा सकता है। कहा गया है कि दूसरों का कफन बेचकर भी धन कमा लेगा। शनि पापी, अब शनि अगर नाइन्थ हाउस में पापी है तो शनि पापी कब होते हैं, देखिए जब कुंडली में राहु केतु दृष्टि से या युति से शनि से संबंध बना लेंगे, तब ऐसे में शनि कुंडली में पापी हो जाएगा। या तो राहु या केतु शनि के साथ बैठे हों, या आपका थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस में हो, तब ऐसे में शनि पापी हो जाएगा। बच्चों की पैदाइश में समस्या होगी पर कायम रहेंगी। यहाँ पर बच्चों की पैदाइश में ऐसा, क्योंकि शनि को क्या कहा गया, पहाड़, तो पहाड़ की तरह पत्थर की तरह साबित होगा कि बच्चे पैदा होने नहीं देगा, पर अगर बच्चे पैदा हो गए किसी और योग के कारण तो वो कायम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, किसी प्रकार की तब दिक्कत नहीं आएगी। खुद बदला लेने वाला वह औलाद को भी बदला लेने की नसीहत देने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जब शनि खराब हालत में होगा तो खुद भी खुद के स्वभाव का होगा कि दूसरों से बदला लेने की भावना रखता होगा, और अपने बच्चों को भी इसी तरह की नसीहत देगा कि सामने वाले से आप बदला लेके आना है। आपके मंदे वाक्यात होंगे, देखिए जब शनि खराब होगा तब मंगल राहु सबके बैड इंपैक्ट देखने मिलेंगे, आपके मंदे वाक्यात होंगे, घटना घटेंगी। अब बृहस्पत क्या है, सोना, हवाई काम, जर्द रंग, केसरिया रंग, वह चंद्रमा चांदी, बजाजी मीन्स ब्याज का काम के कामों से लाभ, यानी कि बृहस्पत और चंद्र से संबंधित कामों से ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होगी, मगर शनि से संबंधित कोई भी काम करता है तो यहां पर आप शनि संबंधित काम कौन से, मकान, मशीनरी, लकड़ी, ऐसे लोहे इत्यादि का किसी प्रकार का काम अगर आप करते हैं तो यहाँ पर अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, नुकसान उठाने पड़ेंगे, किसी तरह का लाभ नहीं होने वाला। अगर आपके नाइन्थ हाउस में शनि है तो आपको बृहस्पत या चंद्र से संबंधित काम ही करना चाहिए। यहाँ पर आज हमने बात करी नाइन्थ हाउस के शनि की। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि शनि अगर अशुभ हालात में है तो कैसे उन्हें ठीक रखना है। सबसे पहले आपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, अपने बृहस्पति को चेक करना है और बृहस्पति की पोजिशन को जाके ठीक कर लेना है। मंगल अगर फोर्थ हाउस में है तब क्या करना है, मंगल फोर्थ हाउस के वीडियो में जाके जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उससे मंगल को शुभ कर लेना है, तब यहां पर जो अशुभ फल बताए गए हैं उनसे बचा जा सकता है, साथ ही बृहस्पति को ठीक कर लेना है। तो जिस प्लैनेट की पोजिशन के कारण फल खराब बताया जा रहा है उस प्लैनेट की पोजिशन आपने अपनी हॉरोस्कोप में जाके चेक करनी है, अगर वो वहां मिलती है तो उसे वहां पर प्रिकॉशन रेमेडी से ठीक कर लेना, साथ ही बृहस्पति को बिल्कुल ठीक रखना है। बृहस्पति को ठीक रखेंगे तो यहाँ पर शनि का फल निश्चित तौर पर आपको ठीक मिलेगा। तो आज हमने बात करी शनि नाइन्थ हाउस की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टेंथ हाउस जहां पर शनि का अपना घर है, क्योंकि दसवें घर के कारक और मालिक खुद शनि देव हैं। दसवां घर क्या है, हमारा कैरियर, हमारा काम धंधा, व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, दोनों की कंडीशन दसवें घर से देखी जाएगी कि उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, या बार बार उसमें चेंजेस आएंगे, या कितनी सफलता मिलेगी, किस तरह का व्यापार होगा, किस तरह की नौकरी होगी। साथ ही दसवां घर और ग्यारहवां घर दोनों का शनिदेव पर कंट्रोल है, इस घर के मालिक के कारक हैं। तो दसवें घर में शनिदेव बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं, पर कुछ कंडीशन बताई गई है जिससे वो अशुभ फल भी दे सकते हैं और कैसे उन्हें ठीक रखा जाना है, क्योंकि शनि का कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं शनि टेंथ हाउस की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।